सबसे बड़ी, सबसे एक्सट्रीम, सबसे रिडिकुलस, सबसे शो ऑफ गाड़ी। ये गाड़ी रोड के लेनी और के लिए बनी थी और इसकी शुरुआत है मिस्टर टर्मिनेटर ने की थी और इसका नाम है हमर। टर्मिनेटर वाली आवाज में हमर हमर। और आज बात करेंगे इस गाड़ी की हिस्ट्री के बारे में और कैसे जनरल मोटर्स ने इस गाड़ी का पूरा टर्न अराउंड कर दिया और अभी अमेरिका की सबसे एक्सक्लूसिव एसयूवीज में से एक है। और हाँ, उससे पहले आपके 5 सेकंड ले रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लो। आप में से 60% लोग अनसब्सक्राइब्ड है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे काफी बढ़िया होगा और हमारी कम्युनिटी काफी बड़ी हो जाएगी। तो हर एक आइकॉनिक एसयूवी की तरह जो हमर है उसकी भी शुरुआत मिलिट्री से हुई थी, जिसमें 1970 में जो यूएस मिलिट्री है उन्हें अपनी जो पुरानी विलीज जीप है उसे चेंज करके कोई नई गाड़ी चाहिए थी जो कि पहले से बड़ी हो, पहले से पावरफुल हो, पहले से मार्च हो और जो ग्रेट अमेरिकन इकोनॉमी है उसको डिपेंड करे कि हमारी गाड़ी सबसे बड़ी है। वी आर द प्रोस, वी आर द किंग्स। और फिर 1979 तक यूएस मिलिट्री है उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए अपना पूरा प्लान शोकेस कर दिया था कि इस गाड़ी में इतनी बढ़िया टोइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, साथ ही में इतनी बढ़िया ऐसे कैपेबिलिटीज वगैरह होनी चाहिए। और फिर काफी सारी कंपनीज, फॉर एग्जांपल एएम जनरल या फिर जनरल मोटर्स या फिर लैम्बोर्गिनी, उन्होंने जो यूएस मिलिट्री प्लान है उसको देख के ऐसे गाड़ियों के डेवलपमेंट में लग गए ताकि वो जो टेंडर है उसे जीत ले और बढ़िया बढ़िया फिर पैसे कमाए। और फिर जो सारी कंपनीज है उन्होंने अपने प्रोटोटाइप को सेंड करना शुरू कर दिया यूएस मिलिट्री को ताकि वो टेस्ट करना शुरू कर दे उन वाली कार्स को। और ऑफिशियली जो एम जनरल की गाड़ी है वो पास होती है जो कि सारे जो मिलिट्री टेस्ट है उन्हें पास करके एकदम बढ़िया ऐसे जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं उन्हें पसंद आती है। और एम जनरल इस गाड़ी का नाम रखते हैं हम भी, क्योंकि जो यूएस मिलिट्री है जनरल प्लान बताया था उस प्लान का नाम था हम या फिर HMMWV या फिर हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हीकल। तो हम जो नाम है इतना बढ़िया नहीं लग रहा, तो इसलिए जो एम जनरल है उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम भी नाम रख दिया। और सही में गाड़ी कुछ ज्यादा एक्सट्रीम थी, कुछ ज्यादा पावरफुल थी एज कम्पेयर टू पहले वाली यूएस मिलिट्री कार, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 1.5 मीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती थी। जो अभी तक की हाईएस्ट गाड़ी है वो है लैंड रोवर डिफेंडर जिसमें आपको 900 मिलीमीटर की मिलती है। इस गाड़ी का इतना ज्यादा बढ़िया अप्रोच एंगल था कि ये गाड़ी को आप 90 डिग्री वाली दीवार पे भी चढ़ा सकते हैं। इस गाड़ी का वजन 4,500 किलो का था, इसमें आपको 4 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलती थी और इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलती थी, आपको इसमें रॉकेट लॉन्चर्स मिलते थे। और सही में ये गाड़ी सबसे केपेबल गाड़ी थी जो कि मिलिट्री को मिल सकती थी। और इसलिए जो यूएस मिलिट्री है उन्होंने पहली ट्रांजैक्शन में जो एम जनरल है उन्हें 55,000 गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया और बढ़िया जो उनके भाग है वो खुल गए। लेकिन इस गाड़ी की जो रियल पॉपुलैरिटी है वो स्टार्ट होती है 1990s में, जिसमें 1990 और 91 में जो पूरी दुनिया है वो पर्शियन गल्फ वॉर में एंगेज थी और इसमें यूएस मिलिट्री भी एंगेज थी, जिसमें इराक वगैरह के साथ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे कुवैत के ऊपर। और पूरी जो वॉर है उसे लड़ने के लिए यूएस मिलिट्री ने इस वाली हम्बी का इस्तेमाल किया था और जो इराक की आर्मी है उसे पूरा धो डाला था, लिटरली वैसे दब गए थे इस गाड़ी के चक्कर में। और जो यूएस की डोमिनेंस है पूरी दुनिया पे छा गई थी कि इतने ज्यादा एडवांस है वो, और ये जो गाड़ी है यूएस डोमिनेंस को दिखा रही थी कि उनकी इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा एडवांस है कि कोई भी कंट्री आसपास भी नहीं है उनके। और ऑफिशियली गाड़ी ग्रेटेस्ट कार ऑफ ऑल टाइम बन गई क्योंकि कोई भी गाड़ी आसपास नहीं थी जो कि इतनी बड़ी वॉर जीत पाए। लेकिन ये गाड़ी जीत के आ गई और इसने लैंड क्रूजर तक को हरा दिया जो कि अनडिस्ट्रक्टेबल मानी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर यही कम था तो इसके बाद आते हैं हमारे आर्नोल्ड भैया या फिर आर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर। ओ भाई बोल दिया मैंने, आर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर, ओ माय गॉड बोल दिया भाई मैंने तो। मिस्टर आर्नोल्ड, नाउ वी कैन बी फ्रेंड्स, आई कैन प्रोनाउंस योर नेम, वी कैन बी फ्रेंड्स। तो मिस्टर आर्नोल्ड इस वाली स्टोरी में ऐसे आते हैं कि 1990 में जो मिस्टर आर्नोल्ड है वो किंडरगार्टन कॉप, जो कि उनकी एक मूवी है काफी ऐसे कूल सी मूवी है, उसकी शूटिंग कर रहे थे ओरेगन में और वहां पे उन्हें एक मिलिट्री का ऐसे काफिला जाते हुए दिखा इन वाली हम्वीज का और वो कुछ ज्यादा ऐसे इंप्रेस हो गए इस गाड़ी से, कैसे ऐसे चौड़ी सी गाड़ी है, कैसे ऐसे बड़ी सी गाड़ी है। और जो उनकी उस टाइम की टर्मिनेटर वाली लुक थी उससे काफी मैच करी थी, माचो सी गाड़ी, ऐसे चौड़ी सी गाड़ी जो कि किसी को भी डिस्ट्रक्ट कर सकती है, इसके आगे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और ये गाड़ी खुद ही एक इंडिस्ट्रक्टेबल गाड़ी है। तो इसलिए आर्नोल्ड भैया काफी इंप्रेस हो गए कि मुझे भी ये वाली गाड़ी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, आई लाइक दिस कार। नहीं सर, ये वाली गाड़ी सिर्फ मिलिट्री के लिए बनी है, आप ले नहीं सकते। मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए अभी के अभी। नहीं सर, आप नहीं ले सकते। व्हाट कलर इज योर बुगाटी? तो ऑब्वियसली दोस्तों उस टाइम मिस्टर आर्नोल्ड कुछ ज्यादा ऐसे बड़े सेलिब्रिटी थे पूरी दुनिया में और स्पेशली अमेरिका में, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्टली जो एम जनरल है उन्हें अप्रोच करा कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए एज अ रोड लीगल गाड़ी और मेले स्पेशली बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ऑब्वियसली एम जनरल का भी इसमें फायदा था कि अगर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उनकी गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे काफी इसकी डिमांड बनने वाली है और साथ ही में जो एम जनरल है उनकी भी ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ सकती है। तो इसलिए ऑब्वियसली जुलाई 1992 में जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है वो पहले बंदे बनते हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने ऑब्वियसली एक रोड लीगल हम्वी की डिलीवरी ली और इस गाड़ी के रोड लीगल नाम के लिए जो एम जनरल है उन्होंने इसका नाम रख दिया हमर। और साथ ही में जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की हमर थी उसमें से साइड में टर्मिनेटर लिखा हुआ था जो कि बहुत ही कूल है। और ये जो हमर है एसेंशियली आप कह सकते हैं कि वही वाली मिलिट्री वाली हम्वी है, इसमें आपको बस थोड़े बहुत चेंजेस मिलते हैं, जैसे इस गाड़ी में आपको एसी मिलता है, आपको स्टीरियो सिस्टम मिलता है, आपको एयरबैग्स मिलते हैं, आपको आइसोलेशन मिलती है इसके दरवाजों में ताकि बाहर की आवाज आए ना ज्यादा, और साथ ही में इस गाड़ी में आपको थोड़ी कंफर्टेबल सीट्स मिलती है ताकि गाड़ी जो नॉर्मल रोड है वहां पे भी चल पाए। पर दोस्तों भले इस गाड़ी ने शरीफों वाले कपड़े पहन लिए पर अभी भी जो इसके अंदर की बदमाशी है वो गई नहीं थी, ये अभी भी वो 4.5 टन का ट्रक था जिसमें 4 KMPL की एवरेज आती है जो कि 2 गाड़ियों की जगह लेती है
और इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लगती है रोड पे चलते हुए, इतनी ज्यादा बड़ी लगती है। पर दोस्तों आपको पता ही है अमेरिका में क्या थ्योरी है, द बिगर इट इज द बेटर इट इज। तो जब से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने इस गाड़ी को यूज करना शुरू कर दिया, काफी ऐसे और भी अमेरिका के बड़े बड़े रैपर्स और सेलिब्रिटीज ने इस वाली गाड़ी को यूज करना शुरू कर दिया और ये गाड़ी एक स्टेटस सिंबल बन गई। और उस टाइम इस गाड़ी का प्राइस $56,000 का था, जो कि बहुत ही महंगा है क्योंकि उस टाइम में जो कैडिलैक एस्केलेड वगैरह है वो इससे सस्ती थी। पर तब भी इस गाड़ी की सेल्स कुछ ज्यादा बढ़िया होने लग गई, ये गाड़ी एक स्टेटस सिंबल बन गई और इस गाड़ी की डिमांड इतनी बढ़ती गई कि इस गाड़ी का प्राइस $56,000 से स्टार्ट हो गए, अराउंड 10 सालों में $90,000 पे पहुंच गया। और लिटरली जो रेंज रोवर है जो कि उस टाइम की सबसे लग्जूरियस एसयूवी थी वो भी $70,000 में आती थी, लेकिन इस गाड़ी का प्राइस $90,000 का पहुंच गया और लोग तब भी इस गाड़ी को ले रहे हैं, भाई कुछ ज्यादा बढ़िया ब्रांड वैल्यू है। तो जो जनरल मोटर्स है उन्हें दिखा कि भाई ये गाड़ी इतनी ज्यादा बेसिक है, इतनी ज्यादा सिंपल है, तब भी इस गाड़ी की इतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। तो इसलिए 1999 में जनरल मोटर्स ने इस गाड़ी के मार्केटिंग राइट्स एएम जनरल से खरीद लिए, मतलब जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो एएम जनरल करेंगे, लेकिन जो इस गाड़ी की सेल्स है वो जनरल मोटर के डीलरशिप से होने वाली है। और जो जनरल मोटर है इस गाड़ी की पूरी ब्रांडिंग पे ध्यान देंगे, बस जो एएम जनरल है उन्हें इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर करना है। पर दोस्तों इस टाइम ग्राउंड में इस गाड़ी की जो इमेज है ऐसे डूश बैग और ऐसे शो ऑफ वाली गाड़ी के तौर पे बन गई थी। बट हु केयर्स व्हेन यू हैव अ हमर, नो वन केयर्स, आई विल रन ओवर दोस पीपल हु कॉल मी डूज बैग्स। लेकिन जो इस गाड़ी की ब्रांड वैल्यू है ग्रो करते जा रही थी, तो इसलिए जनरल मोटर ने सोचा क्यों ना इस गाड़ी का एक नया वर्जन लॉन्च करे, या फिर जो हमर ब्रांड नेम है उसके अंदर एक और गाड़ी लॉन्च करे जो कि थोड़ी छोटी हो, थोड़ी नॉर्मल हो, इंसानों के लिए बनी हो और रोड पे चलने के लिए बनी हो। तो इसलिए साल 2002 में हमर H2 लॉन्च होती है, जो कि हमर का एक छोटा वाला वर्जन होता है, एक थोड़ा नॉर्मल वाला वर्जन होता है और इसका प्राइस अराउंड $50,000 के आसपास का होता है और इसमें आपको थोड़ी बढ़िया लग्जरी मिलती है। इसमें आपको ऑफ रोडिंग ऑब्वियसली उतनी बढ़िया नहीं मिलती जो कि पहले वाली ओरिजिनल हम्वी में थी, लेकिन इसमें आपको फिर भी काफी सही मिलती है। साथ ही में आपको इसमें 6.2 लीटर का इंजन मिलता है V8, जिसमें आपको पावर तो बहुत ही बढ़िया मिलती है लेकिन आपको एवरेज सिर्फ 5 की मिलती है। लेकिन जब जनरल मोटर इस गाड़ी को डिजाइन कर रहे थे उनके दिमाग में एक चीज पक्का थी कि इस गाड़ी में वो डूश बैग वाली फील हमेशा होनी चाहिए जो कि ओरिजिनल हमर में थी और इस गाड़ी में भी रिटेन्ड होती है। इसलिए इसमें आपको बड़े बड़े पहिए मिलते हैं, आपको बड़ी क्रोम के सामने ग्रिल मिलती है और आपको एकदम डिपिक्टिंग लोगो मिलता है सामने हमर का, जो कि दिखाता है यू आर द रियल बॉस, यू आर द ओजी ऑफ दिस कंट्री। और दोस्तों जो इसकी ओजी फील है लोगों को बहुत ही पसंद आ रही थी, इस टाइम में जो अमेरिकन इकॉनमी है वो भी काफी बढ़िया ग्रो कर रही थी। तो इसलिए जो हमर ब्रांड है उनकी सेल ऑलमोस्ट 50 गुना हो गई थी एक सिंगल साल में जब से उन्होंने इस गाड़ी को लॉन्च करा। और जनरल मोटर में सारे एक दूसरे को हक कर रहे थे, जो उनके सारे डीलरशिप है एक दूसरे को ऐसे चुमिया दे रहे थे कि क्या गाड़ी लॉन्च कर दी। लेकिन दोस्तों भले इस गाड़ी की जो सेल्स है स्टडीली इंक्लाइन हो रही थी, काफी ऐसे बढ़िया ग्रो कर रही थी, लेकिन जो इस गाड़ी की रेपुटेशन है, जो इस गाड़ी की ब्रांड वैल्यू है डिक्रीज होते जा रही थी। और उसके मेनली दो रीजन थे। पहला रीजन था इसके CO2 इमिशन, जिसमें एक स्टडी में पता चला था कि जो हमर है उस टाइम की अमेरिका की सबसे पॉल्यूशन कॉजिंग गाड़ी थी और ये इतनी ज्यादा पॉल्यूशन कॉजिंग गाड़ी थी कि इस गाड़ी में ऑलमोस्ट 25 गुना ज्यादा पॉल्यूशन था एज कम्पेयर टू सेकंड पॉल्यूटिंग गाड़ी। तो जो अमेरिका की सेकंड सबसे पॉल्यूशन कॉजिंग गाड़ी है वो सोचो कितना ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती होगी, और जो हमर है उसका 25 गुना ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है। How does that even make any sense? और दोस्तों सेकंड इस गाड़ी का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसमें आपको 6.2 लीटर का एक V8 इंजन मिलता था, इसका जो वेट है अराउंड 4.5 टन का था, तो इसलिए इस गाड़ी में आपको जो माइलेज है जो एवरेज है 4.5 की मिलती थी वो भी मैक्सिमम। तो इसलिए दोस्तों उस टाइम में जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो काफी इस गाड़ी के खिलाफ हो गए थे, ये गाड़ी कुछ ज्यादा ऐसे एक्सट्रीम सी है जो कि हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते इस धरती पे चलाने को, क्योंकि एक तो पोल्यूशन बहुत फैलाती है, सेकंड फ्यूल बहुत कंज्यूम करती है। तो इसलिए दोस्तों जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो अपने जो प्रोटेस्ट है उसमें इस गाड़ी को लिटरली अपने बैनर्स पे रखते थे, उन्होंने लिटरली 40 हमर कार्स को जला दिया जो कि डीलरशिप स्टॉकयार्ड में खड़ी थी। साथ ही में दोस्तों अगर ये गाड़ी ऐसे कभी रोड पे खड़ी होती थी तो ऐसे गाड़ियों को वैंडलाइज करना शुरू कर देते थे, ऐसे उस पर कुछ भी नारे वारे लगाने शुरू कर देते थे, जैसे इस वाली गाड़ी पे लिखा हुआ है बिगेस्ट अशेम। तो दोस्तों कितना सोचो आपको बुरा लगे कि आप जो पूरा अमेरिका है उसकी सबसे ऐसे शो ऑफ वाली गाड़ी खरीद रहे हो, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो तो उसमें से लोगों ने नारे लगा रखे हैं और आपको शर्म आ रही है अपनी गाड़ी चलाने में। लेकिन दोस्तों जो जनरल मोटर है यहाँ पे रुके नहीं और उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी जो हमर है उसका ब्रांड नेम अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसे थोड़ा एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना के क्यों ना दोबारा लॉन्च करे। तो इसलिए ऑफिशियली 2005 में GM लॉन्च करते हमर H3, जो कि H2 से थोड़ी छोटी होती है और जो हमर ओरिजिनल है उससे बहुत ही छोटी होती है। ये पहली हमर गाड़ी होती है जिसका जो वेट है 3 टन से कम होता है। इसमें आपको अराउंड 6 की एवरेज मिलती है जो कि चलो फिर भी सही है एज कम्पेयर टू 3-4 की एवरेज जो कि पहले वाली हवर में आ रही थी। जो इस गाड़ी का ओवरऑल साइज होता है, जो इसका ओवरऑल फुटप्रिंट होता है, काफी कुछ एक नॉर्मल एसयूवी जैसा होता है जो कि अमेरिका में बिकती है। और साथ ही में गाड़ी थोड़ी नॉर्मल लगती है पहले से, इसमें आपको थोड़े नॉर्मल चीजें मिलती है जो कि इस गाड़ी को ब्लेंड इन कर सकती है सिटी में। और इसका प्राइस भी काफी कम होता है, इसकी स्टार्टिंग $30,000 से होती है जो कि बहुत ही कम है अगर आप देखें, क्योंकि जो H2 है उसका प्राइस $50,000 का था और जो H1 है उसका प्राइस $90,000 का था। लेकिन दोस्तों जो इस गाड़ी की इमेज है वो खराब कुछ ज्यादा हो गई थी, इसकी बदनामी कुछ ज्यादा हो गई थी पूरी दुनिया में और लोग इस गाड़ी को कम प्रेफर कर रहे थे। और 2007 में एक रिसर्च की गई थी जिसमें ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे अवॉइडेड गाड़ी थी, ट्रेली लोग दूसरी गाड़ी ले रहे थे इसके सेगमेंट जो कि इसे महंगी है, लेकिन हमर नहीं ले रहे थे क्योंकि भाई शर्म आती है हमर लेने में, लोग मजाक उड़ाएंगे ऐसे, भाई पोस्टर लगा देंगे क्या फायदा उसका आप हमर ले रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर यही कम था तो 2007 वाला जो फाइनेंशियल क्रैश है उसकी स्टार्टिंग होती है और
और जो जनरल मोटर है कुछ ज्यादा बड़े तरीके से हिट होते हैं इस वाले फाइनेंशियल क्रैश में, तो इसलिए भी जनरल मोटर को अपने जो पूरे प्लान है उन्हें रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। और इसलिए भी जीएम अपने काफी सारे सब ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल हमर या फिर वॉक्सऑल, जो की अनप्रॉफिटेबल थे, या तो उन्हें बेचने का सोचते या तो उन्हें डिसॉल्व करने का सोचते हैं। और दोस्तों जो हमर है उसकी काफी स्ट्रॉन्ग एक ब्रांड इक्विटी थी चाइना में और एशियन मार्केट में, तो इसलिए एक चाइनीज ब्रांड था जिसने जीएम का प्रपोजल रखा कि हम जो हमर है उसे टेक ओवर कर लेते हैं। और जो उसकी डेडलाइन है पेमेंट की अराउंड 2010 की थी, पर दोस्तों चाइनीज कंपनी ने जो डेडलाइन है मीट ही नहीं करी और ये जो डील है टर्मिनेट हो गई। और फिर ऑफिशियली 2010 के आसपास जनरल मोटर ने डिक्लेयर कर दिया कि जो हमर वाला ब्रांड है उसे डिसॉल्व करने वाली है और शायद अगर कभी फ्यूचर में प्लान बने तो इस ब्रांड को दोबारा लेके आएंगे। तो इसलिए दोस्तों सबकी जो आशाएं है खराब हो जाती है, जिन्होंने पैसे जोड़े थे ये डूशबैग वाली गाड़ी खरीदने को वो खरीद नहीं पाते, जिन्हें शो ऑफ करना था, जिन्हें दिखाना था कि मैं हूं रियल जी इस वाली रोड का, वो दिखा नहीं पा रहे थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिर अराउंड 8-9 सालों बाद या फिर 2019-20 के आसपास जो अमेरिका है उसमें इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड कुछ ज्यादा एक्सप्लोसिवली ग्रो कर रही होती है, टेस्ला पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कार ब्रांड बन जाता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं कि कौन सी बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि हम खरीदने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक ट्रक्स का भी काफी एक डिमांड बढ़ रही होती है। तो इसलिए दोस्तों जनरल मोटर सोचते हैं कि जो हमारा हमर वाला ब्रांड नेम है काफी बड़ा है, उसमें अभी भी थोड़ी जान बची है, पर उसकी बेइज्जती बहुत होती है। जो एनवायरमेंटलिस्ट है उसे ट्रिगर बहुत होती है, क्यों ना हम जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्हें भी खुश रखे और जो अपने कंज्यूमर है उन्हें भी खुश रखे। तो इसलिए उन्होंने हमर ली, उसमें बैटरी डाल दी और बना दी हमर ईवी 2020 में। और वाओ, जो पूरी दुनिया है उसमें जो हमर है उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया और अब हमर एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें आपको बढ़िया रेंज मिलती है, आपको बढ़िया ऐसे कोई भी CO2 एमिशंस वगैरह नहीं मिलते, आपको फीचर्स अच्छी मिलती है। अब जो जनरल मोटर है उन्हें हरियाली चाहिए पूरी दुनिया में, उन्हें बढ़िया बढ़िया पौधे फूल पत्ते चाहिए। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये गाड़ी एक हमर है तो इसलिए ऑब्वियसली ये गाड़ी कुछ ज्यादा एक्सट्रीम होने वाली है। गाड़ी की लेंथ होती है 5.5 मीटर की, इसमें आपको 250 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो कि सबसे बड़ी बैटरी है एक गाड़ी में, इसमें आपको 1000 हॉर्स पावर मिलती है। इस गाड़ी में आप 0-100 3 सेकंड में कर सकती है और ये गाड़ी का वजन लिटरली 4100 किलो का होता है। तो दोस्तों ये भी कुछ ज्यादा एक्सट्रीम गाड़ी होती है जो मुझे दोस्तों ये गाड़ी बहुत ही पसंद है और जो अमेरिकन है उन्हें ऑब्वियसली पसंद आएगी, उन्हें एक्सट्रीम चीजें बहुत ही पसंद होती है। इस गाड़ी की 10 मिनट में ऐसे प्री बुकिंग हो गई और इसके पूरे स्लॉट फिल हो गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो जीएम है उनकी रेपुटेशन ठीक हो ही रही थी, लेकिन एक और स्टडी आती है जिसमें दोस्तों पता चला कि जो हमर ईवी है अराउंड 341 ग्राम्स का CO2 एमिट करती है 1 माइल के डिस्टेंस में। लेकिन दोस्तों भाई अगर आप देखें एक एवरेज इलेक्ट्रिक गाड़ी अराउंड 90 ग्राम्स का CO2 एमिट करती है 1 माइल के डिस्टेंस में, तो गाड़ी ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा CO2 एमिट कर रही थी जबकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। और जो इसके CO2 इमिशन थे नॉर्मल जो IC इंजन वाली गाड़ियां होती है उससे भी ज्यादा थे। तो लोग कह रहे थे कि इसके इलेक्ट्रिक होने का फायदा क्या जब इसके जो पोल्यूशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल गाड़ी। तो दोस्तों फिर जनरल मोटर की जो इमेज है खराब हो रही थी और उन्होंने फिर इसकी सफाई ये दी कि क्योंकि एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक SUV है तो इसलिए इसके CO2 इमिशन थोड़े ज्यादा है। वैसे जो उनकी नॉर्मल गाड़ियां उनमें आपको सही CO2 इमिशन मिलती है, लेकिन दोस्तों अभी भी ये गाड़ी बहुत ही चहेती है। और फिर 2021 में जो इसका SUV वाला वर्जन है वो लॉन्च होता है और वो भी बहुत ही कूल है और इसमें आपको ऐसे बढ़िया क्रॉल मोड्स वगैरह मिलते हैं और बहुत ही कूल है। और मैं चाहता हूँ इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होए, क्योंकि मान लो ये गाड़ी 2 करोड़ की भी इंडिया में आती है, कोई भी गाड़ी नहीं है 2 करोड़ में इंडिया में जिसमें आपको इसके आसपास की रोड प्रेजेंस मिले, आपको परफॉर्मेंस मिले और आपको हमर वाली चौड़ मिले और आप ऐसे बढ़िया रैप म्यूजिक भी बना सकते हैं इस गाड़ी के साथ। यही था दोस्तों आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको हमर जैसी और गाड़ियों पर वीडियो देखनी है।